G20 न्यूज पर सुबह की बड़ी खबरें, देश विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हो या फिर क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या फिर मार्केट का उतार चढ़ाव या फिर नौकरियों की जानकारियां, एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ सिर्फ C20 न्यूज पर। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको खबरें मिले सबसे पहले। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। बजट सत्र शुरू होने से पहले सभी 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, संसदीय कार्य मंत्री ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में सुकमा में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 जवान घायल। अग्निवीर सेना से रिटायर होकर नौकरी के लिए नहीं होंगे परेशान, शुरू होगी कौशल वीर योजना। राजभवन में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से 36 लाख कैश बरामद, 2 लग्जरी कार भी जब्त। यूपी में 84 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, सुलभ माथुर अलीगढ़ आईजी बने। चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, कानपुर समेत 8 जिलों के डीएम बदले, 19 आईएएस हुए इधर से उधर। अरब सागर में डाकुओं ने किडनैप कर ली थी कई नाव, फौरन पहुंची इंडियन नेवी, 19 पाकिस्तानी नाविकों को बचाया। हरदोई के लाल ने किया कमाल, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। बिहार में अपराधियों ने सीएसपी केंद्र में घुसकर 1,40,000 रुपए लूटे। इंदौर में खुली प्रदेश की पहली सिंगल विंडो, हाथों हाथ होगा दिव्यांगों का काम। मुंबई में बरामद 260 किलो हीरोइन मामले में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हीरोइन और लाखों की ड्रग मनी बरामद। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को मिला गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार। पंजाब हरियाणा से लेकर बिहार तक 3 दिन कोहरे का येलो अलर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 2,367 करोड़ रुपए लागत की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकृत की योजना का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्वारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधु को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर किया हर्ष व्यक्त। ईडी ने पटना में धन शोधन मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से आज पूछताछ की। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल नहीं खेलेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची की जारी। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।